हमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारी सोच यानी कि हमारा माइंडसेट ही हमारी पर्सनालिटी है, और शायद ये बात सही भी है, क्योंकि हमारी सोच ही तो है जो कि हमें इस दुनिया को देखने के लिए एक नया नज़रिया देती है। यानी कि जैसी हमारी सोच रहती है, हम अपनी इस दुनिया को उसी नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुरी सोच रखने वाले के लिए यानी कि एक नेगेटिव माइंडसेट के लिए ये दुनिया बहुत बुरी है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है उसकी वजह से उनका दिमाग सिर्फ मुसीबतें और प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करता है। जबकि जो इंसान एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखता है, उनका दिमाग हर तरफ सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एंड हैप्पीनेस पर ही फोकस करता है। वेल, यहाँ पर नेगेटिव माइंडसेट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो इंसान बुरा हो। माइंडसेट हमारे सोचने के तरीके को कहा जाता है, और एक माइंडसेट और इंटेंशंस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि लंबे समय तक नेगेटिव माइंडसेट भी हमारे इंटेंशंस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, और हम में से बहुत ही कम ही लोग ये जानते होंगे कि हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ की 95% तक रियलिटी को कंट्रोल करता है। यानी कि हर वो रीज़न जिनकी वजह से आज हम बहुत खुश या बहुत उदास हैं, वे सभी हमारी साइकोलॉजी पर ही डिपेंड करती है। वेल, ये तो हमने जान लिया कि हमारा माइंडसेट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब सबसे मेन टॉपिक ये है कि क्या हम किसी नेगेटिव माइंडसेट को एक पॉजिटिव माइंडसेट में बदल सकते हैं, यानी कि क्या किसी के सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हम अपने माइंड को जब चाहे तब रीप्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड खुद को हर समय अपडेटिंग प्रोसेस में ही रखता है। मगर ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम अपने माइंड के काम करने के तरीके को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि उसी के बेस पर हम खुद को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा ब्रेन दो अलग अलग तरह के फंक्शंस में वर्क करता है, जिनमें से जो पहला है वो कॉन्शियस स्टेट है, जिसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, और ये स्टेट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में ही रहता है। जबकि जो दूसरा स्टेट है, जिसको हम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस स्टेट कहा जाता है, उसे हम सबकॉन्शियस माइंड के नाम से भी जानते हैं, और ये स्टेट हमारे बॉडी के कई तरह के फंक्शंस को ऑपरेट करता है, जिन तक हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट बीट, बॉडी टेम्परेचर लेवल, ब्लड सर्कुलेशन लेवल, इवन ब्रेन के कई तरह के फंक्शंस को भी यही ऑपरेट करता है। और हमारे अंदर हैबिट डेवलप करने की जो एबिलिटी होती है, वो भी इसी सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, इवन हमारी पर्सनैलिटी भी। और इसीलिए हमें अपने माइंडसेट को रीप्रोग्राम करने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना होगा। फैक्ट नंबर वन, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह हर समय एक्टिव रहता है, फिर चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। यह हमारे अंदर मौजूद हर एक सेंसर के थ्रू हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को एब्जर्व करता रहता है, और इसका जो काम करने का तरीका है, वो एक बहुत बड़े से टेप रिकॉर्डर की तरह ही होता है, जो कि हमारे लाइफ के हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट को, जो भी कुछ हम बोलते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, ये इन सभी एक्टिविटीज़ को अपने अंदर एज अ मेंटल मूवी की तरह स्टोर कर लेता है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से कुछ लोग पूरा दिन सेम वही गाना गुनगुनाते हैं जिस सॉन्ग को उनके सोते समय किसी ने उनके पास प्ले किया था। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को रिशेप करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि अगर किसी चीज़ को बार बार देखा जाए, सुना जाए और बोला जाए, तो उन इन्फॉर्मेशंस को हमारा ब्रेन एक न्यू बिलीफ की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सेम उन्हीं इन्फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जैसी भी इन्फॉर्मेशंस हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, वैसे ही चेंजेस हमें अपने पर्सनैलिटी में भी देखने को मिलेंगे। और सेम इन्हीं सिद्धांतों पर सबलिमिनल्स के मैसेजेस भी काम करते हैं। और अगर आप अभी तक सबलिमिनल्स के बारे में नहीं जानते, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस पर बनी एक पूरी डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो भी माइंड मैनिपुलेशंस का ही एक पार्ट है, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा इमेजेस में ही प्रोसेस करता रहता है, और क्योंकि
माइंड की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसलिए ये रियलाइज कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए जिन वर्ड्स की कोई इमेज नहीं बनती उन वर्ड्स को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी भी अफर्मेशंस के साथ नो, नॉट और नहीं जैसे वर्ड्स को ऐड करते हैं तो उनका इफेक्ट हमारी लाइफ पर बहुत ही उल्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि आई डोंट स्मोक सिगरेट्स, मैं सिगरेट्स नहीं पीता हूँ, तो इनडायरेक्टली आपका सारा फोकस सिगरेट्स पर ही रहेगा, क्योंकि दिमाग में जो भी इमेज बनेगी उसमें आप खुद को सिगरेट पीते हुए ही देखेंगे। और क्योंकि ब्रेन बहुत ही फास्ट प्रोसेस करता है तो कुछ लोगों को तो ये रियलाइज़ भी नहीं होगा कि ये सब कब हुआ। और इसीलिए जो लोग ये बार बार कहते हैं कि यार मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, उनके साथ अक्सर वही होता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इमेजिनेशंस और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझता? क्योंकि जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं या कुछ रियलिटी के बेस पर सोचते हैं तो दोनों ही कंडीशन में ब्रेन इमेजेस में ही प्रोसेस करता है। और इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उनमें से क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशंस। और हमारे सोचते समय और इमेजिन करते समय हमारा ब्रेन सेम केमिकल्स रिलीज करता है जिनकी वजह से हम तरह तरह की फीलिंग्स को फील कर पाते हैं। और यही एक ऐसा फैक्ट है जिसकी वजह से हम किसी भी मूवीज़ को उनको देखते समय इंजॉय भी करते हैं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो समय 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मगर क्या आपको पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए सिर्फ एक ही समय एग्जिस्ट करता है और वो है प्रेजेंट टाइम, यानी कि वो समय जो अभी चल रहा है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी अफर्मेशंस को फ्यूचर फॉर्म में बोलते हैं ताकि वो एक्सेप्ट हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे माइंड के लिए वो एक आने वाला कल है जो कि कभी नहीं आएगा। मगर अगर उसी अफर्मेशंस को हम बार बार प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं तो उन अफर्मेशंस को हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच समझ लेता है और उन्हीं अफर्मेशंस के बेस पर हमारा माइंड खुद को रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इवन इफ अगर हम मजाक में भी किसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे माइंडसेट पर होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशंस को एक बिलीफ में कन्वर्ट कर सकता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हैबिट्स का ही एक फॉर्म है और हम एक हैबिचुअल क्रिएचर हैं। हम अपनी लाइफ में 95% तक जो भी काम करते हैं उनको करना आज हमारी एक हैबिट सी बन चुकी है। इवन हमारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी भी हमारी एक हैबिट ही तो है जिनको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। और अगर आप ये नोटिस करें तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि जो चीज़ें आज हमने सोची हैं और कही हैं सेम उन्हीं चीज़ों पर हमने कल भी सोचा और कहा था और परसों भी हमने सेम वही रिपीट किया था, यानी कि हमारा माइंड सेम काम को बार बार रिपीट करता रहता है। और जो भी एक्टिविटीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं इवेंचुअली हम उन पर सबकॉन्शियसली बिलीव भी करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे उन्हीं बिलीव्स के बेस पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेली लाइफ को फिल्टर करता है। और अगर वो बिलीव्स पॉजिटिव हैं तो हमारा माइंड बुरे से बुरे सिचुएशन में भी ओनली पॉजिटिविटी पर ही फोकस करेगा। मगर अगर वही बिलीव्स नेगेटिव हैं तो हमें हर सिचुएशन में ओनली नेगेटिविटी ही नज़र आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारी हैप्पीनेस और हमारी सैडनेस और कुछ नहीं बल्कि हमारे माइंड का ही एक स्टेट है और ये पूरी तरह से हम पर ही डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन को किस नज़रिए से देखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए उसके लिए हम इसके आने वाले नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे कि किसी भी नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव माइंडसेट को रिमूव करके कैसे एक पॉजिटिव बिलीव और एक वेल सक्सेस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर ऑसम वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।